वर्तमान में जनवरी 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो मुफ्त राशन मिलता था उस राशन को हमारी सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। किंतु जो NFSA के तहत 5 किलो अनाज मिलता था वह अनाज पूर्णतया फ्री मिलेगा। अब उसका कोई शुल्क किसी भी उपभोक्ता को किसी भी लाभुक को नहीं देना होगा। तो 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से जो भी NFSA का राशन मिलेगा वो पूर्णतया निःशुल्क होगा, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सर इस माह जो दिसंबर में वितरण होना था, इस दिसंबर में वितरण नहीं हो पाया, तो इसके लिए सर क्या इसको शिफ्ट किया गया और किस हिसाब से वितरण होगा आगे? विभागीय पत्र जो निर्गत हुआ है इस संबंध में उसकी कंडिका 3 के आलोक में स्पष्ट निर्देश है कि एक जो जनवरी 2023 है का पंचांग वर्ष है, इसमें जो भी वितरण चक्र आएगा यानी दिसंबर 2022 का जो वितरण चक्र आएगा उसमें PMJKAY का वितरण नहीं किया जाएगा, सिर्फ NFSA का वितरण होगा। तो अब हर महीने 5 किलो अनाज हर उपभोक्ता को मिलेगा और वो निःशुल्क मिलेगा। और इसमें सर जो डीलर्स वगैरह चालान भर दिए हैं तो उनका उनका क्या पैसा का क्या सिस्टम बनेगा, रिफंड होने का पैसा क्या? रिफंड होने का निर्देश प्राप्त है। तो जो भी SIO के अगेंस्ट डीलर्स के द्वारा चालान भरा गया है उनका रिफंड विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर